हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशाज वर्ल्ड राइजिंग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना टेक केयर कर रहे होंगे, और हम लोग भी आप सबकी दुआओं से और ऊपर वाले की कृपा से एकदम ठीक है। और चाहते हैं कि हम एक दूसरे को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम सब ठीक ठाक रहें। आज का दिन बहुत खास है फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे हैं। तो सैमी, हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, एंड स्पेशली थैंक्स टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स एंड माय फ्रेंड्स हु हैव विश्ड मी इन ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑन माय सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। दे कॉल्ड मी आल्सो ऑन माय नंबर, सो आई एम वेरी थैंकफुल। And special thanks to my wife. Oh, you're welcome. आज मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है फ्रेंड्स, और आज मेरी जो बड़ी वाली भाभी है उनका भी बर्थडे है। तो दोनों का बर्थडे एक साथ मनाते हैं, डिनर वगैरह करने बाहर जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो है नहीं इधर उधर, बच्चे अपने बिजी रहते हैं। बेटा है तो वो हमें अपनी मर्जी से जहाँ कहीं लेकर जाना चाहता है, हम सबको वो लेकर जाएगा और हम लोग आज की इवनिंग इंजॉय करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अभी तक तो प्लान है कि हम स्वागत में जा रहे हैं, पहले करीम जाने का प्रोग्राम था, करीम तो हमेशा जाते ही रहते हैं, तो आज हम स्वागत में जा रहे हैं। तो अभी तक यही प्लान है कि हम स्वागत में जा रहे हैं, और आज का मेरा ड्रेस है ये, मैंने शाइनिंग वाला ऑफ वाइट टॉप पहना है, और आपको याद होगा कि मैंने ये खरीदी थी, आज मैंने ये पहनी है और दिल का भी पहना है और ये भी पहना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, हो सकता है स्वागत। पता उनको पता भी है सेम ये स्वागत। हाँ, इधर लगा दो ना, कैसे ऐसे लंबी लंबी नमस्ते नमस्ते सर, ठीक है। मैंने अनिल को फोन करा आज, मुझे नहीं मालूम था, उसने छोड़ दिया। मैंने कहा आज हमें आना है, आठ लोग हैं। काफी दिन के बाद, हाँ काफी दिन के बाद, ये सामने ही बैठना है। ठीक है, क्या तू कुछ दे रही है जो तू बैग बार बार खकोड़ रही है मेरे लिए? बनाना। हाँ क्या बात है सैमी, ओ नोट मिल गए भाई, थैंक यू। आज तो सैम ने ये भी नहीं बोला कि रहने दो, गॉड ब्लेस यू। अभी हम नेहरू स्टेडियम से निकल रहे हैं, नेहरू स्टेडियम के सामने से निकल रहे हैं, है ना? पत्ते देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एकदम मजा आ रहा है, रोड साफ सुथरी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और कल मैं वीडियो को पूरा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, और बर्थडे सेलिब्रेशन में आज हम आए हैं और आज हम चर्च आए हैं, क्योंकि कल हम आ नहीं पाए थे।
ऊपर वाले का थैंक यू बोलने के लिए। और मौसम इतना सुहाना है, अब देखिए चारों तरफ देखिए कितने पेड़ पौधे खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और हम भी आज घूमने के लिए निकले हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो फ्रेंड्स, ये स्टारबक्स है, सिटी का एरिया बहुत थोड़ा है, बहुत खूब सा है। मजेदार मौसम हो रहा है, दिल्ली के लोग आज बहुत खुश हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। ट्रैफिक भी जाम है, इसलिए ट्रैफिक भी जाम है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी बारिश हुई है, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, अभी हम घर पर आ गए हैं और मैंने जाने से पहले मैं दाल बनाकर गई थी, मूंग और मसूर की दाल बनाकर गई थी। यहाँ पर मैंने सभी ये दिखाइएगा, ये मैंने तोरी की सब्जी बनाकर गई थी, राइस बनाकर गई थी। और बस अब मैं दाल गरम कर रही हूँ, सब्जी गरम नहीं करेंगे क्योंकि दाल चावल ये सब गरम है। हाँ, ये मैं पापड़ तल रही हूँ राइस के, और ये जो मद्रासी पापड़ होते हैं ना, मद्रास के ना, बहुत टेस्टी होते हैं। तेल हो जाए फिर मैं मोस्टली हम इसको रोस्ट करते हैं पापड़ को, लेकिन आज हमने कहा कि आज हम तल कर लेंगे पापड़। तो आज हम नॉनवेज कब खाएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन आज वेजिटेरियन खा रहे हैं। हाँ, तो नॉनवेज था नहीं ना सेमी, अब आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ, बारिश का दिन था आज, जब बारिश होने लगी तो मैंने सोचा कि यार मैं बना ही लेती, पर एनीवे बाहर जाना था तो आज मैं नहीं बनाया मैंने, तो कल मैं बनाऊंगी, कल पक्का बनाऊंगी, अरबी मटन बनाऊंगी, क्योंकि कल भी ऐसा लग रहा है कि बारिश के अभी दो चार दिन रहेंगे, आई डोंट नो, पर मौसम ऐसा लग रहा है। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग आपको लंच के बाद मिलते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। इस तरीके से हमने लंच भी कर लिया है, रिलैक्स भी हो गए हैं, मैं अपनी किचन साफ कर कर आ गई हूँ, और अब मैंने सोचा कि मैं इस ब्लॉग का जो हैप्पी बर्थडे का ब्लॉग है इसको मैं एंड करती हूँ। बहुत अच्छा दिन बीता कल का भी और आज का भी। इसके बाहर से आ रही थी तो जनपद रोड, जनपद मार्केट पड़ती है, तो वहां पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वाओ नए नए टॉप लग रहे हैं, बहुत अच्छे डिजाइन के टॉप्स आ गए। तो मेरे हस्बैंड को बर्थडे पे पैसे मिले तो उन्होंने तब तो रख लिए, और आज मुझे जब मैं एडमायर कर रही थी तो मेरे को बोलते ठीक है, मैं मेरे को जितना भी गिफ्ट मिला है कैश वो मैं तुमको देता हूँ, और तुम अच्छे से अच्छे टॉप जो भी खरीदना चाहो खरीद लो। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा वाओ। तो घर पर आई, मैंने हमने फटाफट खाना खाया, और अब मैं सोचती हूँ कि इस ब्लॉग का एंड किया जाए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में एक नए तरीके से, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।